अज ना मैं तुहानू एक बंदे दे नाल संबंधित सच्ची घटना के बारे दसन लगे हाँ जो कुछ सचमुच उस दे नाल वापरिया। इस वीडियो नू ध्यान दे नाल सुनियो, ये वीडियो जरूर तुहाडे दिल नू छूगी। वो बंदा कहिंदा अज तो 25 साल पहला कहिंदा असी मोहाली दे विच रहिंदे हुंदे सी। कहिंदा उन्हां दिनां दे विच रात नू 12 बजे किसी ने साडा बूहा खड़काया। कहिंदा जदों मैं बूहा खोलण दे लई उठिया, मेरी घरवाली मैनू कहिंदी जी बूहा ना खोल्यो, की पता बाहर कौन होऊगा, क्योंकि अज तो 25 साल पहला हालात भी कुछ इहो जिहे सी, तुसीं समझ सकदे हो। ते ओह कहिंदा मैं आपदी घरवाली नू कहा भी बाहर जाके बूहा तां खोलणा पैणा ही आ, देखणा तां पैणा ही आ भी बाहर कौन आ कौन नहीं। ओह कहिंदा जदों मैं जाके बाहर बूहा खोलिया, सामने हट्टी वालिआं दा मुंडा खड़ा सी। वो कहिंदा हट्टी वालिआं दा मुंडा रोई जावे ते नाले हाथ जोड़ के मैनू कहिंदा सरदार जी रब दा वास्ता जवाब ना दिओ, अज तुहानू एक बंगार पाउणी आ, मैनू तुहाडी कार चाहीदी आ। कहिंदा मेरे बापू जी बहुत बीमार आ, उहनां नू हस्पताल लैके जाणा। वो बंदा कहिंदा उहनां समिआं दे विच कहिंदा सिर्फ साडे कोल ही फीएट कार हुंदी सी, नेड़े तेड़े होर किसे कोल नहीं सी। वो कहिंदा जदों हट्टी वालिआं दे मुंडे ने मैनू इन्नी गल कही, कहिंदा मैं खड़ा खड़ा सोचण लग गया। कहिंदा कोल मेरी घरवाली खड़ी, कहिंदा मेरी घरवाली ने मैनू कहा भी जेकर अपने बापू जी हुंदे फिर भी तुसीं आई सोचदे। कहिंदा जदों मेरी घरवाली ने मैनू इन्नी गल कही, मैं उसे वक्त कहिंदा हट्टी वालिआं दे मुंडे नूं कहा भी तूं चल मैं कार लैके आया। तो कहिंदा जदों मैं कार लैके पहुँचिया तो असीं बापू जी नूं चुक के जदों पिछली सीट ते पाउण लगे, कहिंदा मैनू बापू जी दे विच्चों मुश्क आई जावे। कहिंदा उस वक्त मेरी घरवाली भी मेरे नाल नहीं सी। कहिंदा उस वक्त ऐसा भाणा वापरिया मैनू मेरे माँ प्यो की याद आ गई। वो कहिंदा जदों मैनू मेरे माँ प्यो की याद आई मैनू बापू जी दे विच्चों मुश्क आउणी बंद हो गई। कहिंदा असी बापू जी नू गड्डी दे विच पाया ते हस्पताल लै गए। कहिंदा PGI दाखल करवाउंदिआं करवाउंदिआं नू सवेर हो गई। कहिंदा सवेरे मैं घरे वापस आ गया ते पिछे ही हट्टी वालिआं दा मुंडा घरे आ गया। कहिंदा उहदे कोल 100 रुपए का नोट ते 100 दा नोट मेरे वल नू करके कहिंदा सरदार जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, रात तुसीं मेरे एक बार कहण ते साडी मदद दे लई आ गए। कहिंदा आ लओ 100 रुपए का नोट, कहिंदा रात तुहाडा तेल लग्गिआ होणा गड्डी दा भी उहदे लई तुसीं आ रख लो। उह बंदा कहिंदा मैं 100 दा नोट फड़न दे लई हजे हत्थ जिहा कढ़न ही लग्गिआ सी, उसे वक्त कहिंदा मेरी घरवाली ने मैनू हौज मारी ते मैनू कहा भी बापू जी साढ़े नहीं कुछ लगते। ते कहिंदा मेरी घरवाली ने मैनू कहा भी तुसी इन्हां दे नाल हस्पताल जाओ, जाके बापू जी का हाल चाल पुछ के आओ, नाले पुछ के आओ भी किसे चीज़ की जरूरत आ नहीं। कहिंदा मैं उसे वक्त हट्टी वालिआं दे मुंडे नू नाल लैके उहदे पिता जी कोल फिर हस्पताल पहुँच गया। कहिंदा चलो 3 दिनां दे बाद बापू जी इस दुनिया नू अलविदा कह गए, बापू जी पूरे हो गए। उस तो बाद वो बंदा कहिंदा उन्हां हट्टी वालिआं दे घरे मकाना आउणियां शुरू हो गईआं। कहिंदा जिन्ने भी लोग अफसोस करन दे लई उन्हां दे घरे आया करन, कहिंदा वो हट्टी वालिआं दा मुंडा मेरे वल हथ करके हरेक बंदे नू इह गल दस्सिया करे भी उह सरदार जी मेरे इक कहण ते रात नू गड्डी लै के आए ते इह बापू जी नू हस्पताल लै के गए। कहिंदा हरेक बंदे नू ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬੈਣ ਪਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਬਾਦੁਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪੜਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਬਾਦੁਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।